हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स सेमेस्टर वन के लिए, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ सैम्पल एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम सैम्पल एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट मैं आपको बता दूँ कि सभी कोर्सेज में कॉमन है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बैफ, तो ये सारे जो हैं कोर्सेज, इन सभी को कॉमन है। बहुत सारे कोर्सेज में कॉमन होता है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मुंबई यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं जितने भी, हम उनके लिए यहाँ पर जो है फाउंडेशन कोर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कभी कभी क्वेश्चंस में दो ही ऑप्शंस दिए हैं आपको, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चार ऑप्शन आते हैं आपको, तो ये याद रखना है आपको सबको। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जो है अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजाराम मोहन रॉय सक्सीडेड इन द पासिंग ऑफ डैश एक्ट इन 1829। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मैंने लिख कर दिए हैं, आपको दोनों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। और अगर आपको एग्ज़ाम में चार ऑप्शन भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो है दो ही ऑप्शन लिख कर दिए हैं। एग्ज़ाम में मोस्टली कितने आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं, आपको जो है फोर ऑप्शंस आते हैं, और आपको फोर ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे ए और बी में से बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, सती अबोलिशन एक्ट। ठीक है, सती अबोलिशन एक्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, ए डाउरी, बी रेप एंड मोलेस्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डाउरी। डाउरी इज़ अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज़ डैश। मेन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का, यहाँ पे आपको मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, कैटरैक्ट एंड बी है डिसीजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैटरैक्ट। ठीक है, मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है कैटरैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑफन कॉल्ड एज डैश। तो आपको बताना है हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोला जा सकता है, और इसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसका राइट आंसर, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है करेक्ट आंसर हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। आपको बताना है नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर कौन से जो है विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, विटामिन ए इज द राइट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लाइन मार्क कर दिए। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन जो किया हुआ है वो आपको याद रखना है, सेंसरी न्यूरल डिफनेस इट इज कॉज्ड बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ कोचिला। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27th क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 27th लाइन में भी आपको जो है इम्पॉर्टेंट मार्क करके दिया है, ये मार्किंग वाला भी आपको लर्न करना है अच्छे तरीके से। अ पर्सन अफेक्टेड बाय एपिलेप्सी गेट्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अटैक्स कॉल्ड साइजर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये लर्न कर लेना है आपको, 27th वाला पॉइंट और 26th, ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करने हैं अच्छे तरीके से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 20 टोरेटस सिंड्रोम इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इनवॉलेंटरी एंड रिपीटेटिव वोकलाइजेशंस साउंड्स एंड मूवमेंट कॉल्ड टिक्स। तो ये आपको ये भी लर्न करना है,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, 29th वन. ठीक है, 29th वन है. अ डैश चैलेंज्ड पर्सन इज इनकेपेबल टू थिंक एंड एक्ट रैशनली बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ थिंकिंग पावर ड्यू टू द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी. अब ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी इतने ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं जस्ट आपको डराने के लिए, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है. आप देखो यहाँ पर कितने इजीली आप इसको जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं. डैश चैलेंज पर्सन, आपको कोई चैलेंज यहाँ पे डैश चैलेंज पर्सन पूछ रहा है कि वो फिजिकली है या मेंटली है. यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको. आपको अभी यहाँ पर अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे थिंक लिखा है, थिंकिंग पावर लिखा है, तो आपको यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी लिख कर दिया है. ठीक है, ये पूरे स्टेटमेंट के अंदर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ जहाँ पे आपका फोकस जाना चाहिए, जिससे आपको जल्दी आंसर मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, थिंक एंड एक्ट रैशनली, थिंकिंग पावर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, तो ये सब रिलेटेड किससे हैं, हमारे मेंटल, हमारे माइंड से रिलेटेड हैं. तो यहाँ पे मेंटली चैलेंज आएगा. ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन करने का मतलब था कि आप थोड़ा सा सोचो. ठीक है, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से रीड करके भी आपको, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता है ना एग्ज़ाम में, तब भी आप उस क्वेश्चन को रीड करो, रीड करो. अगर आप रीड करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐसे अंडरलाइन करोगे, थोड़ा सा ऑप्शंस देखोगे, सोचोगे, तो आपको आंसर करेक्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विच प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन हैव एन IQ लेवल ऑफ डैश. तो आपको बताना है यहाँ पे IQ लेवल कितना होता है. पर्सन विच प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 55 to 69, 35 to 54, 20 to 34, और डी है बिलो 20. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, बिलो 20 इज द राइट आंसर. बिलो 20 जो है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइन में मार्क करके दिया है, डाउन्स सिंड्रोम इज़ अ डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. ठीक है, डाउन्स सिंड्रोम इज़ अ डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपको लर्न करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट इमेजेस रिसीव फ्रॉम द आइज इन टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. तो इसमें जो है आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, ए और बी. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, डिसलेक्सिया इज द राइट आंसर. डिसलेक्सिया इज द राइट आंसर. आपने वो पिक्चर देखी होगी तारे जमी पर, तो वो छोटा जो बच्चा था वो ईशान, उसको डिसलेक्सिया था. उसको बी, अगर हम बैग लिखेंगे तो उसे यहाँ पे जो है बी की जगह पे उसको डी दिखता था. तो ये है डिसलेक्सिया, इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट इमेजेस रिसीव फ्रॉम द आइज इन टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है डिसलेक्सिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश हैव कंटिन्यूस डेल्यूशन एंड हेलुसिनेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, शिजोफ्रेनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज अ डैश कंसेप्ट. आपको बताना है जेंडर कौन सा कंसेप्ट है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट, या फिर एक ऑप्शन दिया है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे बी ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल. तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सोशियोलॉजिकल. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डैश परसेंट इज रिजर्व फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. तो आपको बताना है कितने परसेंट, ए 10% या बी 5%. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 5%. नेक्स्ट है, डैश पर्सन आर दोज हु आर एक्सप्लॉयटेड सोशली एंड इकोनॉमिकली. ए डेस्टिट्यूट, बी विक्टिमाइज्ड. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी विक्टिमाइज्ड.
विक्टिमाइज्ड इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विक्टिमाइज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. आपको बताना है कितने टाइप के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, टू या फिर थ्री. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है वो करेक्ट है टू, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. एक होता है साइकोसिस और दूसरा होता है न्यूरोसिस. ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के जो हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है साइकोसिस और दूसरा होता है न्यूरोसिस, ये याद रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डैश इज अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसिस और न्यूरोसिस. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोसिस. न्यूरोसिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूरेटिव एंड रिहैब सर्विसेज फॉर द हैंडीकैप पर्सन. तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेलफेयर. ठीक है, वेलफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर इज द राइट आंसर. ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है आपको मार्क करके, ईव टीजिंग इज़ द फॉर्म ऑफ सोशल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ईव टीजिंग सोशल वायलेंस. ठीक है, आपको याद रखना है, ईव टीजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है आज का वीडियो. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.